जैसा कि हर वीडियो में हम लोग करके रखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पहले से ही यहाँ पे नोट करके रखते हैं, जिससे कि आपका समय कुछ बचे। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग स्टेप्स को स्किप करते हैं, अगर ऐसा होगा तो ज़रूर उस पर ध्यान देंगे, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग क्या कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कब अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, तीनों बातों पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। हमें ये पता चलना चाहिए कि है क्या चीज़, करना क्या है और फिर कैसे करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कब ये होगा ये भी जानना है और कैसे होगा। तो एक कैसे होगा, जब भी मैथ्स में हम लोग बोलते हैं कैसे का होगा, तो इससे ये मतलब नहीं है कि कितनी जल्दी होने वाला है, उससे में उसकी वर्किंग, उसके डेप्थ, उसके कॉन्सेप्ट, जब कोई चीज़ एग्ज़ाम में ट्विस्ट की जाती है तो आप पकड़ पाते हैं, तो उसका डेरिवेशन एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन से शॉर्टकट तो नहीं मिलते हैं, पर डेरिवेशन से आपकी डेप्थ, आप बहुत बेसिक तक जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है। सिंपल हमने लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वन प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब इसको जनरल फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं कि कोई यहाँ पे फंक्शन होगा और एक यहाँ पे फंक्शन होगा, वन प्लस एक्स की पावर एन के फॉर्म में वो होगा, मगर अभी यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब यहाँ पे जैसे जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, तो कुछ भी हो सकती है, मगर जब फंक्शन में वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, जीरो। जैसे यहाँ पर जब आपने जीरो अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये पार्ट जीरो, यहाँ पर जीरो अप्लाई किया साइन एक्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा देखिए मिस हो गया, यहाँ पे एक्चुअली टू माइनस एक्स होना चाहिए था, कि मतलब वन प्लस जीरो वन बनना चाहिए, वन प्लस जीरो वन बनना चाहिए, तो जब वन रखेंगे तो टू माइनस वन बेसिकली वन बनना चाहिए, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस वन ये क्या बन गया पूरा टोटल वन। और जब पावर में जो फंक्शन है इसकी पावर ले रहे हैं, जब लिमिट अप्लाई करें तो ये इन्फाइनाइट बने, इसे यहाँ पे देख लेते हैं, जीरो रखने पर वन अपॉन जीरो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो रखने पर वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यहाँ वन रखने पर देखिए टेन पाई बाई टू दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो पावर में जो फंक्शन लिया गया वो इन्फिनिटी को टेंड करे, यहाँ पे जो फंक्शन लिया गया वो जीरो को टेंड करे, ओवरऑल फॉर्म्स यहाँ दिखाई गई कि वन प्लस जीरो की पावर इन्फिनिटी वन की पावर इन्फिनिटी में टेंड करे, तो वन की पावर इन्फिनिटी में टेंड करेगा, उसके ये एग्जाम्पल्स हैं, कैसे हम लोग करेंगे यहाँ सीखेंगे, उसके बाद फिर इन एग्जाम्पल्स को ऐसे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे आगे और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे हमने लिया जो भी यहाँ लिखा गया है, पहले वाले जो हमने टॉपिक लिया था बाइनोमियल, वहाँ पे बाइनोमियल में इस एक्सपेंशन को हमने एक्सपेंड किया था एनी इंडेक्स के लिए, कि वन प्लस एक्स की पावर एन को वन प्लस एन एक्स एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं इनफाइनाइट टर्म तक हम जा सकते हैं। ये फार्मूला नेचुरल नंबर के लिए ही नहीं बल्कि सारे एनी इंडेक्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, ये हमने बहुत ही अच्छे से बताया था। अगर आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं तो आप पीछे जाके उस वीडियोस को देखें। यहाँ पर बताया गया कि एन जो इंडेक्स जो घात है वो कुछ भी हो सकती है, तो एक्स एन की जगह क्या लिया हमने, आप इससे मैच करिए, तो एन की जगह क्या ले लिया, वन अपॉन एक्स। तो इस वाले फॉर्मूले में केवल क्या चेंज होने वाला है, क्योंकि एक्स की जगह एक्स लिया, वन की जगह वन लिया, बस केवल एन की जगह क्या ले लिया, तो जहाँ 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 वो एन था, जहाँ जहाँ एन था, सब क्या हमने कर दिया, वन बाई एक्स कर दिया कि नहीं, और ये ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस केवल आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब देखो आगे वाली स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ फैक्टोरियल वन आता है, इसे आप लिख सकते हैं, पर फैक्टोरियल वन की वन वैल्यू वन होती है, जब हाईलाइट करनी होती कर देते हैं, नहीं करनी होती तो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल जीरो है बट उसका क्या है, वैल्यू वन है, तो हम यहाँ देखिए एक्स से एक्स कट गया तो वन अपॉन फैक्टोरियल वन आया, यहाँ पे वन अपॉन एक्स था तो वन अपॉन एक्स रखा ये वाला देखिए, और यहाँ से देखिए हमने देखो यहाँ पे वन अपॉन एक्स को अमल लिया तो हमने यहाँ दिखाया कि वन, यहाँ पे क्या दिखाया वन, और यहाँ से वन वाई एक्स कॉमन लिया, तो ध्यान देना जब यहाँ से वन वाई एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा वन, और यहाँ क्या होगा एक्स, ठीक है।
ये कॉमन लेके यहाँ रख दिया गया, ये ऐसा रख दिया, तो ऐसे ही यहाँ पर 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया गया, यहाँ से भी 1 बाई एक्स कॉमन लिया गया और यहाँ से भी 1 बाई एक्स कॉमन लिया गया। तो तीनों टर्म्स हैं, वहाँ से 1 बाई एक्स कॉमन लिया गया। देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ देखिए क्या बचेगा, ऑब्जर्व करेंगे जब, तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ क्या 1 माइनस 2। तो एक्सपेंशन कर दिया गया और ये जो हमने एरो बनाए इसका मतलब ही बताया। अब हम लोग ध्यान देते हैं, ये वन आ गया, ये 1 बाई फैक्टोरियल 1 आ गया और यहाँ देखें एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, तो ओवरऑल आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ देखिए 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स एक्स क्यूब को इससे काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 3 और ऐसे करके करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लिया गया, इसको हमने इसके बराबर कर दिया। अब हम मानते हैं कि x बहुत ही छोटा है और छोटा होता चला जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली छोटा होता चला जा रहा है, इसको हम लोग कैलकुलस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि x छोटा होता चला जा रहा है, इसका मतलब x टेंडिंग टू 0। हमने यहाँ पे लिमिट ले ली, इसको बोले लिमिट लेना, हमने यहाँ पर भी लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये लिमिट जब लेंगे तो अभी देखेंगे क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, जब लिमिट लेंगे तो कांस्टेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ लेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गया, ये टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म क्या हो गया 0, तो प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आ गया, आगे देखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, आगे देखेंगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो इसको, इस वाली सीरीज को आप जानते होंगे कि इसको लिखते हैं ई की पावर 1। तो मतलब ये वाला एक्सपेंशन, ध्यान दें, लिमिट जब इवेल्युएट की तो क्या आ गया, ई की पावर 1। बस यहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट हमने बॉक्स में लिखा है इसी से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, इसी को आप शॉर्टकट मान सकते हैं, जैसे हमने एक्सप्लेन किया आप उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वो कोर पॉइंट था, आगे एज अ शॉर्टकट है। तो कैसे अब हम लोग रेगुलरली हर क्वेश्चन में एक्सपेंशन तो करने वाले नहीं है, एक्सपेंशन टाइम लेगा, बट हमें ये समझ में आ गया कि एक्सपेंशन से ई आया था, कि बच्चा ये कन्फ्यूज रहता कि ये ई कैसे आ गया, ये 1 की पावर इन्फिनिटी ई कैसे आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, तो कभी भी ये जैसे इसको अब हम लोग एज ए ट्रिक से आते हैं। ठीक है, तो पेशेंसली हम लोग ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी लिमिट दी गई हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिखेंगे, करेंगे तभी जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो और 1 प्लस एक्स की पावर इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे हम लोग साथ साथ पहले ली इधर भी चल रहे हैं, ई लिखा लिमिट, अब वहाँ 0 लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। ओके, जो बाइनोमियल के फॉर्म में बनाया है हमने 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस को छोड़ के जो बचा है क्या, यहाँ क्या है, x है विद साइन, तो प्लस को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ 1 प्लस के अलावा क्या बनाए, एफ एक्स, तो हमने बोला इस पावर में, ये ध्यान रखें e की पावर में चल रहा है, तो एफ एक्स लिखा। अब जो इसकी पावर दी गई है क्या, 1 बाई एक्स, उसको इससे 1 को छोड़कर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे वही बात यहाँ रिपीट कर रहे हैं, 1 को छोड़कर यहाँ एफ एक्स लिख दिया था, उसका इससे मल्टीप्लाई जी एक्स, और केवल इतनी लिमिट को हमें इवेल्युएट करना है। जैसे यहाँ पर हम लोग बारी बारी से करते हैं, इसको करते जाते हैं, तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, इसको जब करेंगे ई की पावर लिमिट जो होती गई एक्स टेंड्स टू 0, अब 1 के अलावा क्या है, साइन एक्स, और इसकी पावर में क्या है, 1 अपॉन एक्स। अब जैसे यहाँ पर तो ये 1 प्लस की पावर, 1 प्लस एक्स की पावर नहीं है, तो पहले इसको बनाएंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 10 पाई एक्स बाई 2, तो 1 प्लस एक्स की पावर n बना लिया। आप क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, लिमिट जो दी गई है, लिमिट क्या दी गई है, यहाँ 1 दी गई है, अब 1 प्लस के अलावा जो भी दिया टर्म दिया गया है 1 माइनस एक्स, उसको यहाँ लिखेंगे, और पावर में जो भी लिखा गया है 10 पाई एक्स बाई 2,
तो ये सारे ऐसे शॉर्टकट थे, आगे हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। बट सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, आगे हम इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों e की पावर लिखा गया वो हमने एक्सप्लेन किया, और यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे कुछ सिंपल से क्वेश्चन हमने लिए हैं इसी इनिशियल लेवल पे, जैसे कि आपको समझ में आए, सहज तरीके से समझ पाएं। हमारा अभी कोई इंटेंशन नहीं कि आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको बेसिक टॉपिक को समझने में दिक्कत हो, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बेसिक फाउंडेशन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर है, हमने बताया भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने बताया था एज अ शॉर्टकट ई लिखेंगे, जो लिमिट दी गई है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। बस सर इससे पहले एक बात ज़रूर आप एश्योर करेंगे, क्योंकि हमें पहले से एश्योर थी इसलिए, पर आपको एश्योर है या नहीं वो करना है, ध्यान दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी, तो वन प्लस ज़ीरो की पावर, तो ये फॉर्म है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वन के अलावा तो यहाँ क्या लिखा गया है, वन बाई एक्स, पावर में क्या है काटेंगे तो हाँ ई की पावर क्या बचा, वन, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल। यहाँ पर भी अप्लाई करके देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखो आप अप्लाई करके देखें तो वन प्लस साइन जीरो तो वन, वन की पावर ज़ीरो तो फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ था तब बना। तो ई लिखा, लिमिट लिखा एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, बोला गया कि वन के अलावा जो भी है साइन एक्स उसका उसके पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, रीडिफाइन इसको कर लें, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और आपने ये पढ़ा ही है कि जब भी जीरो अटेंड हो, अगर ये ज़ीरो हो और ये ज़ीरो हो तो इसका मान क्या होगा, वन, तो ई की पावर क्या आ गया, वन, दैट इज़ ई, सिंपली ई आ गया। याद देखेंगे साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, और कॉस एक्स ज़ीरो इन्फिनिटी, कॉस एक्स ज़ीरो इन्फिनिटी, तो वन की पावर इन्फिनिटी है, ई लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो करेंगे, वन के अलावा क्या है साइन एक्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स से। अब ई लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन, तो ई आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ढेरों क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। जैसा कि हर टॉपिक के बाद उसकी प्रैक्टिस, उसका असाइनमेंट बहुत ही करना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में जितनी बातें हमने सीखी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आप कर सकते हैं, वो 9 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इनको बारी बारी से करिए, इनके बेसिक फाउंडेशन से आप आगे वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है इस फॉर्म में, तो आप हमारे तक पहुंचाइए। इस पर हो सकता है कि हम लोग एक लेक्चर और ले लें, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप ऐसे रिकमेंडेशन रखेंगे तो ज़रूर हम लोग आगे विचार करेंगे। हाँ, हमारी ये डिमांड नहीं है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा करें वैसा करें, इस तरीके का हमारी डिमांड नहीं, क्योंकि मेरा एक मोटो है, एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, और अगर ऐसा मुझे लग रहा है तो बाकी क्या हो रहा है वो आपके एंड पे है। आपको क्या लग रहा है उससे मुझे ज़्यादा इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपको रिटर्न वैसा मिलेगा। और एक भी स्टूडेंट अगर सीरियस है और सीरियसली उसको फॉलो करता रहा, सीरियसली तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप रेगुलर निरंतर उस पर प्रयास करेंगे और प्रॉपर वे में जैसे पढ़ाई की जाती है वैसे करेंगे, तभी इसका मतलब समझ में आएगा। बाकी मुझे नहीं पता है।